हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जैसा कि दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या दोस्तों, आपका भी जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है और जियो का नेट नहीं चल रहा है? तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस सेटिंग से मैं बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया हूं। तो सिंपल सा अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहां देखिए, सिम कार्ड एज मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद, सिम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए, आपका जियो सिम है, जियो के सिम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, नीचे की ओर यहाँ पर आपको एक सर्च पॉइंट नेम मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहले रीसेट कर लेना है एपीएन को। रीसेट करने के बाद देखिए, ये थोड़ी देर में रीसेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू एपीएन बनाना है। दोस्तों, यहाँ देखिए, इसके बगल में रीसेट के बगल में एपीएन का ऑप्शन मिल रहा होगा, न्यू एपीएन का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पहला आपको नेम का ऑप्शन मिलेगा, नेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है जियो 4G। सिंपल सा आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको जियो 4G टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिलता है, तो ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देखिए एपीएन का ऑप्शन मिलता है। तो एपीएन के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर टाइप करना है जियो नेट। यहाँ सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पर जियो नेट टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए, यूजर नेम का ऑप्शन मिलता है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर टाइप करना है www.jio.com। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ www.jio.com टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलता है, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, सर्वर का ऑप्शन मिलता है, तो सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है www.jionet.com। दोस्तों, आपको यहाँ पर www.jionet.com टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलता है, तो ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलता है ऑटोमेटिक टाइप है। ऑटोमेटिक टाइप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर कुछ भी नहीं करना, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर मिलेगा आपको एपीएन प्रोटोकॉल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोर्थ वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ देखिए, आपको ये कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलता है, एपीएन रमिंग स्पीडिश वाले, तो चौथे वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद वो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, जो जो मैं टिक लगाऊंगा वो आपको टिक लगाना है। तो लाइट के ऑप्शन पे HSPA इस पर लगाना है। फिर इसके बाद आपको दोस्तों वो पहले वाले ऑप्शन को हटा देना है, और देखिए जो जो मैं टिक ध्यान से लगा लीजिएगा, जो जो मैं टिक लगाया हूँ। उसके बाद ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको इस जियो 4G वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।